हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे, जो आपके CGPSC प्री 2024 के लिए, चाहे मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री के चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। साथ ही साथ करंट अफेयर से जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, तो आप उससे भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ईयरली करंट अफेयर्स पे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टू इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा, लगभग अलग अलग पार्ट में जितना हो सकेगा यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ईयरली करंट अफेयर्स। साथ ही साथ मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, तो उसको बढ़िया रिवाइज जाके करिएगा, एक दो दिन में जो है आपको सेशन लिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर जो कि पिछले सेशन में जो है ऑटोमेटिक कट गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के पहाड़ों पर तक्षक सांप, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपका, तक्षक सांप है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के पहाड़ों पर यहाँ पे तक्षक सांप मिलता है या देखने को मिलता है। तक्षक सांप जो पौराणिक कथा वगैरह में ये सुने भी होंगे तक्षक सांप करके, तो ये जो है खास करके सरगुजा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव या नारायणपुर। तो तक्षक जो सांप की जानकारी कौन से जिले में मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छाल मारती है, मतलब यहाँ पे मतलब वो छाल मारती है 50 से 60 फीट जो है आपके ज़मीन से। और साथ ही साथ जो है सांप और जो तक्षक सांप है, इसके वैज्ञानिक भाषा अगर देखेंगे, वैज्ञानिक भाषा में इस जो इसको ग्लाइडिंग स्नेक के नाम से इसको जाना जाता है। और जो पौड़ी कथा वगैरह का भी जो जानकारी सांप तक्षक सांप के बारे में आप पढ़े भी होंगे, तो ये आपका दंतेवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में नगर निगम जो कार्यालय के समीप जो है चौक में, छत्तीसगढ़ के जो हमारी जो राजकीय पक्षी है यहाँ पे पहाड़ी मैना जो यहाँ पे कलाकृति आपको देखने को मिलेगा, ये जो इसका कलाकृति कहाँ पे किया गया है, छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में, दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में, बिलासपुर जिले में या आपके रायगढ़ जिले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर के जो नगर निगम कार्यालय के समीप जो है यहाँ पे पासी में जो चौक में यहाँ पे हमारे जो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना सभी जानते हो, जो बस्तर संभाग में जो है आपका जो कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे जो है इनका संरक्षण किया गया है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में यहाँ पे है इनका संरक्षण किया गया है। तो ये जो राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना जो यहाँ पे रायपुर के जो नगर निगम जो कार्यालय के समीप चौक में जो यहाँ पे जो है एक कलाकृति देखने को मिला हुआ यहाँ पे बनाई गई है, और यहाँ पे पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना जो कि बस्तर संभाग के जो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आकर्षण का केंद्र आपके बना हुआ है, पहाड़ी मैना लिखा है। तो रायपुर जाएंगे तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा आपको, जो है आपको रायपुर में जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है नगर निगम कार्यालय के समीप के जो है पास में है चौक में यहाँ पे जो है बनाया हुआ है। तो इसको याद रखिए, कलाकृति है, अनोखा मतलब विचित्र लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नित्य रहस्य द सीक्रेट मिस्टेक्स ऑफ जो डांस पुस्तक विमोचन किसने किया है, भूपेश बघेल जी ने, विश्वभूषण हरिचंदन जी ने, M.K. रावत जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने। तो नित्य पे जो रहस्य जो पुस्तक है जिसका नाम है आपको द सीक्रेट मिस्टिक्स ऑफ जो डांस है, इस पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे जो राज्यपाल हैं, कौन है हमारे राज्यपाल जी, नए राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश से यहीं आए हैं, तो विश्वभूषण हरिचंदन, इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। जो पुस्तक है खास करके जो है आपका डांस पर आधारित पुस्तक है, इसका विमोचन इन्होंने किया है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो पुस्तक है इसका लेखिका कौन है, तो जो ओडिसी नित्यांगना है, उड़ीसा के लेखिका है ओडिसी नित्यांगना है जिनका नाम है, वो जो लेखिका है पूर्णश्री, याद रखिएगा एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्ण जो श्री राउत हैं इसके लेखिका हैं,
ओडिसी नृत्यांगना है उड़ीसा के, लेकिन जो है इसका जो विमोचन है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन जो पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है, तो डांस को भी जो पुस्तक है इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट, ये आपका जो है डांस पे आधारित जो है सीजन जो चलती है टीवी में देखे भी होंगे, तो हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 में छत्तीसगढ़ के जो किस मलखम टीम ने जो है कौन से जिले में जिसे जिले से संबंधित है जिसमें आपके विनर रही थी, तो ये आपका सरगुजा, नारायणपुर, रायपुर या बिलासपुर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो नारायणपुर जिले के जो है जो यहाँ पे तो टीम ने जो कि यहाँ पे जो इंडियाज गॉट टैलेंट जो डांसों का जो जो है आपका इसमें टैलेंट होती है जो सीजन 10 अभी हो रही थी जिसमें छत्तीसगढ़ की जो मलखम टीम है कहाँ की टीम है नारायणपुर की, इन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है और जो इन्होंने जो है जो इस सीजन 10 में यहाँ पे खिताब भी इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, जो विजेता भी रही थी इस टीम के, तो इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो है, तो इस जो टीम ने मलखम टीम ने यहाँ पे इस टीम ने जो है जीत हासिल की है, सीजन 10 का जो खिताब है इन्होंने जीता है। इसके साथ यहाँ पे जो है 20 लाख प्राइज, साथ ही साथ जो है एक अर्टिगा जो है कार जो है इसमें जो है प्राइज के रूप में इनको दिया जाएगा, तो ये जो है एक उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ की। तो ये जो है तो अबूझमाड़ जो मलखम जो अकादमी ने जो है यहाँ पे जो सीजन 10 का विनर रहे हैं, तो ये जो है उपलब्धि यहाँ पे नारायणपुर जिले की है, तो इसको याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ की, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट एशिया जो म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी कौन है, अभिषेक वर्मा, टिकेश्वरी साहू, चांदनी शर्मा या किरण साहू। तो यहाँ पे जो दो थाई चैंपियनशिप के लिए हैं जो हमारे भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम है कौन है जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो रायपुर के जो रहने वाली हैं टिकेश्वरी साहू, याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के जो है जो हमारे लगभग 14 सदस्य जो भारतीय टीम में हमारी छत्तीसगढ़ की एकमात्र जो खिलाड़ी हैं टिकेश्वरी साहू, या फिर जो थाई चैंपियनशिप जो नवंबर में आयोजित हुआ था आपके हांगकांग में, याद रखिए हांगकांग में जिसमें आयोजित हुआ जिसमें हमारे 14 सदस्य जो जो टीम में छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू उसमें सम्मिलित हुई थी, तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में जो है ये आपका हिस्सा बनेंगी टिकेश्वरी साहू, तो नाम को आपको याद रखना है कम से कम, हाँ जो हांगकांग में जो शहर में इसका आयोजन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट से, इसको ध्यान दे रहे हैं आपको। 37वें जो नेशनल गेम्स में, अगला क्वेश्चन है 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पूरक डबल्स इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, चांदी पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों ने यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक जीत हासिल की है, जो यहाँ पे जो 37वें जो याद रखिएगा 37वें जो नेशनल गेम्स इस साल जो है आपका उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा बोलता हूँ, गोवा में, याद रखिएगा यहाँ पे एक मिनट, जो 37वें जो नेशनल जो गेम्स है इस बार जो है आपका गोवा में इसका आयोजन हुआ था, कौन से क्रम है 37 क्रम का है, तो इसको याद रखिएगा, जिसमें जो है मिनी गोल्फ जो पुरुष डबल्स इवेंट में जो यहाँ पे नील सागर और मेहुल साहू ने जो है यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत इन्होंने हासिल किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे महिला इवेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सीमा सोनी सीमानी यादव ये जो यहाँ पे महिलाओं में जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की, तो यहाँ पे जो है जो महिलाओं के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और जो पुरुषों में जो है आपका नील सागर जो मेहुल साहू इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त किया है 37वें नेशनल गेम जो 37वें जो नेशनल गेम्स जो गोवा में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों के द्वारा कितने नई दुर्लभ प्रजाति के पौधों का पहचान किया गया है, 7, 10, 11 या 17, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए छत्तीसगढ़ के जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 10 नई जो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के पौधों की यहाँ पे पहचान की गई है, साथ ही साथ इसमें जो है घास बेला जो मध्यम प्रकार के जो वृक्ष हैं बहुत सारे जो झाड़ियाँ हैं इस तरह के यहाँ पे जो है वैज्ञानिकों द्वारा दुर्लभ प्रजाति के पौधों की पहचान की गई है, ये जो खास करके जो दुर्लभ प्रजाति के जो घास बेला मध्यम वृक्ष झाड़ियाँ पौधे वगैरह है खास करके यहाँ पे ये दुर्लभ प्रकार के हैं, ज़्यादातर आपके
पश्चिमी घाटों में जो खास करके पाई जाती है, तो इसको 10 प्रकार के यहाँ पे पौधों का पहचान इसमें की गई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की किस निगम आयोग संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के बीज निगम को, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग को, या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो निगम आयोग जो संघ को यहाँ पे पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ के राज्य लघु वनोपज संघ को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अवार्ड से स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको बढ़िया, इसको मैं टेलीग्राम में पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रोका छेका अभियान 2023 किस तिथि से शुरू किया गया है? 5 जुलाई से, 6 जुलाई से, 7 जुलाई से, या आपके 8 जुलाई? इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो रोका छेपा जो अभियान जो है 2023 का कौन से तिथि से स्टार्ट किया गया था? तो 6 जुलाई से इसको स्टार्ट किया गया है। ये हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस रोका छेपा को अभियान को यहाँ पे लाई गई थी, जो यहाँ पे जो किसान वगैरह खेती वगैरह यहाँ पे बाड़ी बकरी वगैरह खेती किसानी करते हैं, तो एक तरह के यहाँ पे जो गाय वगैरह जो यहाँ पे खेती को मत नुकसान करे, इसी तरह उनके बचाव के लिए यहाँ पे रोका छेपा अभियान यहाँ पे चलाई गई थी, जो योजना इनके द्वारा यहाँ पे लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 3रा, 5वां, 7वां या 10वां? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो नीति आयोग द्वारा जो डाटा निकाली गई थी 2023 में, तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? तो याद रखिएगा, 7वें स्थान पे है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही देखेंगे, गरीबी सूचकांक में जो है छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पे है। अगर इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो गरीबी सूचकांक छत्तीसगढ़ के 7वां स्थान है, और पहला स्थान में सबसे ज़्यादा गरीबी सूचकांक में पहला स्थान आपका बिहार का है, इसको याद रखिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, सबसे कम, याद रखिए, सबसे गरीबी जो है आपके कौन से राज्य में है? तो ये आपके केरल में है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सुराजी गांव नामक छत्तीसगढ़ नाटक जो किताब है, इसके लेखक कौन है? संदीप साहू, प्रमोद बैस, दुर्गा प्रसाद पारकर, या आपके वीरेंद्र ध्रुव? तो इसका जो करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सुराजी गांव जो नामक छत्तीसगढ़ जो नाटक है, इस किताब के जो लेखक दुर्गा प्रसाद जो पारकर जो है, इस नाटक किताब के लेखक है सुराजी गांव नामक के, तो इसको याद रखना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो खास करके जो आपका जो सुराजी गांव जो नामक जो नाटक है, आपका जो है इसका उद्देश्य यही है, जो नाटक जो बनाया गया दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने, इस किताब के लेखक है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी जो भूपेश बघेल जी की योजना है, एक तरह को लोगों को उनके तक पहुंचाना है, इस नाटक किताब जो जितने भी योजना वगैरह, तो इसके हिसाब से लोगों तक यहाँ पर उनकी योजना वगैरह है, नरवा घुरवा हो गए, बहुत सारी जो योजना है, ये जो लोगों तक पहुँचाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों को 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? बलरामपुर सरगुजा को, रायपुर धमतरी को, सरगुजा बेमेतरा को, या कांकेर, या आपके बालो? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के एक तो आपका सरगुजा जिला है, और दूसरा आपका बेमेतरा जिला, 18 जुलाई 2023 को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको भूमि सम्मान में, जिसमें आपका प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, सरगुजा और बेमेतरा, ये दोनों को आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में आकांक्षी जिला नारायणपुर का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका जो करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो है आकांक्षी जिला जो नारायणपुर है, देश में जो आपका सेकंड पोजीशन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आपका जो जो जल जीवन सर्वेक्षण के मामले में जो आकांक्षी जिला नारायणपुर, ये आपका दूसरा स्थान, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कराया जाएगा। सभी जो क्वेश्चन है कंटेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है,
यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते उन्हें क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट जो सेशन है आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में बाकी जो क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।